अतीक और उसके गैंग ने दबदबे को बढ़ाने के लिए योजना बनाई थी। करेली क्षेत्र में एक माइनॉरिटी टाउनशिप बनाने की शुरुआत की गई थी। इस योजना के लिए कई गरीब लोगों की जमीन पर कब्जा किया गया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, प्रयागराज से अतीक अहमद से जुड़ा बड़ा खुलासा। मुस्लिम बस्ती बसाने की योजना बना रहे थे बदमाश। अतीक और उसके गैंग ने दबदबे को बढ़ाने के लिए योजना बनाई थी। करेली क्षेत्र में एक माइनॉरिटी टाउनशिप बनाने की शुरुआत की गई थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस योजना के लिए कई गरीब लोगों की जमीन पर कब्जा भी किया गया था। तो मुस्लिम बस्ती बसाने की कोशिश में अतीक एंड गैंग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपने दबदबे को बढ़ाने की कोशिश में ये बड़ी योजना अतीक एंड गैंग बना रहा था। कौन अतीक अहमद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अतीक अहमद की मौत के बाद भी हर रोज नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि प्रयागराज के करेली इलाके में माफिया डॉन अतीक अहमद एक ऐसी टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा था जो मुस्लिम बाहुल्य हो और जिसे अतीक अहमद और उसके जो करीबी हैं उनके लिए सेफ सिटी के तौर पर वो टाउनशिप जानी जाए, और इसके लिए बाकायदा एक लंबी चौड़ी प्लानिंग भी की गई थी। हालांकि आप देख सकते हैं कि जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, चूंकि ये अलीना सिटी है जो कि अतीक अहमद और उसके करीबियों की थी, हालांकि अवैध निर्माण होने की वजह से इस टाउनशिप को कुछ साल पहले ही सरकार ने बुलडोजर से पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। हालांकि इसके बाद भी अतीक अहमद रुका नहीं। करेली और आसपास के जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां पर अतीक अहमद और जो उसके गुर्गे थे जबरन जो गरीब तबका था उनसे उनकी जमीनों को छीनने में लगे हुए थे। जबरन उनसे रजिस्ट्री करवाई जा रही थी, और चूंकि अतीक अहमद की प्लानिंग यही थी कि इस जगह पर एक ऐसी टाउनशिप खड़ी की जाए जो उसके लिए और उसके घर वालों के लिए एक सेफ सिटी के तौर पर जानी जाए जहां पर उसके गुर्गे रह सके। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ 8 प्रयागराज।